जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौहर या मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 21 जुलाई 2022 दिन गुरुवार। गुरुवार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान बृहस्पति देव का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहे और सदा खुशहाल रहे। आज श्रावण माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होगी सुबह 8:13 तक। आज कोई व्रत नहीं है, अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो इस दौरान भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें तो लाभकारी होगा। सूर्योदय सुबह 5:19 और सूर्यास्त शाम 6:49। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे रात्रि 12:12 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे दोपहर 12:44 पे। सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में। यह वर्षा ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। योग घृति योग दोपहर 12:21 तक, उसके बाद शूल योग करण कौलब करण सुबह 8:12 तक, उसके बाद तैतील करण। नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र दोपहर 12:17 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। दिशा शूल की बात करें तो आज गुरुवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पूर्व अग्नय दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दही या जीरा खाकर बाहर निकले, इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें तो लाभकारी होगा। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डाले, वहाँ पे एक दीपक जलाए, भगवान बृहस्पति देव को गुड़ और चने का भोग लगाए, उन्हें पीला वस्त्र नैवेद्य का भोग लगाए और पीला वस्त्र भी चढ़ाए। पीला वस्त्र भगवान बृहस्पति देव को अति प्रिय है और फिर गुरुवार व्रत का कथा श्रवण करे तो लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा दोपहर 1:45 से दोपहर 3:20 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 8:42 से सुबह 10:23 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:30 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:19 से सुबह 7 बजे तक। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:23 से दोपहर 12:04 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 1:44 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त शाम 5:07 से शाम 6:49 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:49 से रात्रि 8:07 तक। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:07 से रात्रि 9:26 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 12:04 से रात्रि 1:23 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 2:42 से रात्रि 4 बजे तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 4 बजे से लेकर के सुबह के 5:19 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभकृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।